अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए न्यू रेसिपी का लेकर आए हैं जो कि है पकोड़े। आज हम पहले रोज़े को पकोड़े बना रहे हैं जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले इसमें हम बाउल में प्याज ऐड करेंगे। हमने प्याज बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके की शेप में काट लिया है, आपने भी इसी तरीके से कट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें पोटैटोस ऐड करेंगे। पोटैटोस हमने फिंगर चिप्स की शक्ल में कट कर लिए हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। 1 by 1 आपने इसी तरीके से इन चीज़ों को ऐड करना है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अब पकौड़ों का मसाला 2 चम्मच हम ऐड करेंगे। ये इजीली बार शॉप से मिल जाता है पकौड़ों का मसाला, तैयार बना। इसमें हम मिक्स मसाला भी ऐड कर देंगे। मिक्स मसाले से ये है कि अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाता है और पकौड़े हमारे थोड़े से ब्राउन दिखेंगे। अब हम इसमें जो आखिरी चीज़ है वो हम डालेंगे बेसन। जितना हमने मसाला तैयार किया है उसी के हिसाब से हमने बेसन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अच्छे से इस बेसन को मिक्स कर देंगे। पानी हमने नहीं ऐड किया क्योंकि प्याज का आलू का अपना पानी होता है, तो इसमें ये बेसन मिक्स करेंगे और फिर जब पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है बेसन को। ये प्याज आलू और जो हमने धनिया ऐड किया है और जो मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से मसाला ले लें। पानी आपने इसमें जल्दी नहीं ऐड करना क्योंकि पानी ऐड करने की वजह से ये बेसन हमारा फिर ऐसे मोटे मोटे से पकोड़े बनते हैं और वो अच्छे बिल्कुल नहीं होते। इस तरीके से सूखे सूखे जब आप इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी तैयार होंगे। व्यूअर्स, अब हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना है ताकि क्योंकि हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा, तो हल्का हल्का पानी थोड़ा थोड़ा सा डालना है। अच्छे से आपने पानी को भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, हमने ऑयल रख दिया था गरम होने पे, गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। छोटे छोटे से आपने पकोड़े लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे सी पकोड़े बनाने हैं। इस तरीके के आपने छोटे छोटे से बना के डालने हैं, फिर वो खाने में भी बहुत मज़ा करते हैं। आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को लो कर देना है और हल्की फ्लेम पर जब बनाएंगे तो पकोड़े अच्छे से गोल्डन बनेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे पकोड़े देखिए तैयार हो चुके हैं। गोल्डन कलर के आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है और फिर प्लेट में सर्व कर लेना है। घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी पकोड़े हमने बनाए हैं। चाय के साथ चाहे तो ट्राई कीजिएगा, क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Yeah.